बन गया। धर्म मालकी ने ये कह दिया कि अब ये जो है जहां का है जैसा है, अगर मेरे साथ फिर इसके साथ हुए हैं तो हर हाल में इसी की ब्याही बन के रहूंगी। विदा कर दिया गया। रात को जहाज में जब वो जा रहे थे तो धर्म मालकी की आंखें लग जाती हैं, नींद आ जाती है। तो यहां बताते हैं कि चंद्रगुप्त बड़ा मन ही मन परेशान था कि भाई मैं ही किसी दूसरे के यहां गिरवी रखा हुआ हूं, ये बेचारी मेरे पल्ले बंध गई है, इसे मैं कैसे पालूंगा, क्या क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा। बड़ा दिमाग उसका खराब था, परेशानी की हालत में वो था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसे छोड़ के यहीं चला जाऊं तो ये अपने मायके वापस लौट जाएगी, अब इसके घर वाले इसकी दूसरी शादी करना या अपने पास रखना सुखी तो रहेगी, मैं यहाँ कहाँ दुखों में इसे रखूंगा, ना जाने दूसरे के घर में इज्जत मिले कि नहीं मिले। जब धर्म मालकी सो गई तो एक कागज पर उसने सारा हवाला लिख दिया, ये कहा कि धर्म मालकी मैं किसी दूसरे के यहाँ गिरवी रखा हुआ हूँ, इस शर्त के अनुसार मेरी तुझसे शादी हुई है, मेरी भाभी ने ये चीजें मंगाई थी, मैं ये चीजें तो लेकर के जा रहा हूँ, लेकिन हे लक्ष्मी मुझे माफ करना, मैं तुझे यही छोड़ के जा रहा हूँ। जिस प्रकार से तू अपना जीवन मेरे बगैर बिता सके बिता लेना, मेरी तरफ से तू आजाद है। और उसे जहाज में सोती हुई को छोड़ के चले गए। जब भाभी को जाके कहा कि भाभी जो आपने सामान मंगाया था वो मैं लेकर के आया हूं, तो भाभी अचंभे में रह गई, तो उसके आगे पीछे झांकने लगी। क्या झांक रही थी, उसे पता था कि ये चीजें जब मिलती हैं जब शादी हो जाती है, अगर ये लाया है तो दुल्हन भी आई होगी। ये कहने लगी कि सच्चे मोतियों का जोड़ा जो तू लेकर के आया है ये कहां से मिल गया, तेरे पीछे तो कोई नहीं है, क्या कहती है यहाँ के बोल हैं, सुनिए बड़ी प्यारी रागनी है, ये भी लक्ष्मी चंद जी ने लिखी है। क्या बताया कि बली करी थी परमेश्वर ने, जो तू राजी खुशी आ गया, और सच्चे मोतियों का जोड़ा हाथ कड़े तैना गया, सच्चे मोतियों का जोड़ा हाथ कड़े तैना गया, बली करी थी परमेश्वर ने, राजी खुशी आ गया, सच्चे मोतियों का जोड़ा हाथ कड़े तैना
रंग बन रे पाछड़िया सच्चे मोतियो का हारा हाथ रे सच्चे मोतियो का हारा हाथ रे तना लाला जी के सारंग चढ़ रिया से के सारंग